जमुई में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां एक युवक ने 6 शादियां की। कहानी एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाले युवक की है। युवक के सास और पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि युवक बंगाल, दिल्ली, झारखंड और बिहार में अलग अलग जगहों पर 6 शादियां कर रखी हैं। मामले का तब खुलासा हुआ जब युवक अपनी एक पत्नी के साथ जमुई स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आया था। उसी दौरान उसकी एक पत्नी के भाई ने रेलवे स्टेशन पर युवक को दूसरी महिला के साथ देखा। युवक अपनी पहली पत्नी के साथ रांची जा रहा था। जब उसके साले ने घर जाने की जिद की तो वो नहीं माना। इसके बाद साले ने परिवार वालों को बुलाकर लड़के को पकड़कर थाने ले आया। 6 शादी करने वाले युवक की पहचान जमुई जिले के बरहट प्रखंड के जवातरी गांव निवासी गणेश दास के पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई। छोटू कुमार देवघर में एक ऑर्केस्ट्रा में काम करता है। वो 2011 में रांची में कलावती देवी से शादी किया था, जिससे उसके 4 बच्चे हैं। वहीं छोटू कुमार ने 2018 में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के सुंदरी टांड निवासी मंजू देवी से शादी की। मंजू देवी से भी उसके 2 बच्चे हैं। दूसरी पत्नी मंजू देवी ने बताया कि 1.5 साल पहले बच्चे की दवाई लाने के बहाने छोटू हम लोगों को छोड़कर साइकिल से भाग गया था, जिसके बाद उसको आज रेलवे स्टेशन पर मेरे भाई के द्वारा पकड़ा गया। अभी तक छोटू 6 शादियां कर चुका है। वो उसकी पहली पत्नी कलावती देवी का कहना है कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि छोटू किस किस से शादी किया है, सभी को हम एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बाजार में पकड़ा है, कौन लग रहा है तुरा? मेरा जीजा लग रहा है। अच्छा, क्यों पकड़ा? और वो भाग रहा था, हम उसको बोला कि मेरे बहन को रखेगा नहीं, वो बोला वो भाग रहा था। कब से फरार था ये? वही साल भर से, 10 साल से फरार था। तो अभी कहाँ आए थे जो मिल गया आपको? जम्मू स्टेशन में मिला था। तो अभी पकड़ कर इसको कहाँ लाए हो? मालवेपुर थाना। क्या ना? मामला यह है कि शादी 3-4 को कर लेके आदमी को बच्चा हमारा जन्मा लेक मोबाइल भी ले लेकर 10-12 हज़ार के चली। अच्छा, कब शादी हुआ था आपका? 5 साल हो गया। क्या गो बच्चा है? दो गो। तो पति कब से गायब थे? तो कहाँ मिले? भी साथ में जा रहे हैं? नहीं। आपको नहीं ले जा रहे हैं? क्यों छोड़े हुए हैं? और भी शादी किए हैं पति? क्या गो? क्या गो कल्या है? 4। ये कौन है? ये कौन लगते हैं? अरे बोलो ना यार, सही क्या पूछ रहे थे? कौन है ये? मेरा हस्बैंड है। कब शादी किए थे? 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। बच्चे हैं? हाँ। आपको भी बच्चा है? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या साल का? 11 साल का। और 9 साल की है। सब इसी का है। आप क्या करते हैं? आप क्या करती हैं? सुपरवाइजर का काम करते। कहाँ? रांची में। क्या चीज में? एक मिनट में देखभाल करते हैं। अच्छा, रांची में घर कहाँ हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं? रांची काटा टोली। मामला है, सब बता रहे हैं कि आप 4 से 5-6 बिया किए हैं। सब गलत है। तो क्या है, कितना ब्याह किए हैं? मेरा पहला भी ये है। कौन? कलावती देवी, सब रांची से हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद में इनसे ब्याह कब किए थे? इनसे 2018 का था। ठीक। दूसरी शादी है? दूसरी शादी कब हुआ? दूसरी शादी हुआ 2020 का। किससे किए? शादी भी कर मंजू देवी। कहाँ घर हुआ मंजू का? मंजू देवी क्या घर का सुंदरता लगा हुआ। जब पहली शादी आप कर लिए थे तो दूसरी शादी क्यों की? दूसरी शादी क्यों किए कि इस शादी जब हम किए थे तो इस शादी भी कुछ लफड़ा हो गया था। ठीक है। इस लड़की से भी कुछ लफड़ा हुआ था। डिवोर्स हुआ था? है इसे तलाक लिया था?
ये पहली बीबी है या मंजू देवी पहली बीबी है? पहली है। तो मंजू देवी से बच्चा है ना आपका? मंजू देवी भी दूसरा शादी कर रखी थी पहले से। मंजू देवी भी दूसरा शादी पहले से कर रखी थी। इधर बोलो ना। मंजू देवी दूसरा शादी कर रखी थी। मंजू देवी के पास जो बच्चा है वो किसका है? आपसे शादी होने के बाद हुआ है ना? दो लड़का है उनके पास, 2 साल और 3 साल का। किसका है? 2 साल और 3 साल। एक लड़का जानते हैं कि जो पहला हुआ है, जो बाद में हुआ, ये मेरी है और पहला वाला मेरा नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? काम क्या करते हो तुम? छोटे कुमार, मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन में। ऑर्केस्ट्रा लाइन में हो ना? कहाँ ऑर्केस्ट्रा करते हो? कौन से ऑर्केस्ट्रा में है? हम तो सर जहाँ से ब्लास्ट होता है वहाँ हम जाते हैं। अरे तो कोई ऑर्केस्ट्रा का बैनर होगा ना, नाम है? माँ शारदा सिंह। माँ शारदा सिंह कहाँ का है? देवघर से। देवघर से। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।